नेहाज एलाराम क्लॉक क्लास 4 मैरीगोल्ड बुक चैप्टर फर्स्ट नरेटर रिंग 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 ऑफ गोज द एलाराम क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। रिंग 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 यानी एलाराम जो घड़ी होती है उसकी रिंग रिंग की आवाज़ आती है 6 बजे यानी 6 बजे सुबह मॉर्निंग में, तो वो बंद हो जाती है। नेहा मैक्स एफ एस एंड कवरिंग हर ईयर विथ ए पिलो। यहाँ पे नेहा एक लड़की है जो अपने रूम में सोई हुई है, जब अलार्म घड़ी बजती है तो उसको ऑफ करके वो अपने फेस को कवर करके और कानों को कवर करके किससे, पिलो यानी तकिए से कवर करके सो जाती है। स्नेगल स्नेगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कंबल, वार्म यानी गरम, गरम कंबल को ओढ़ करके बैठ जाती है। बट लेकिन शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ, कि वो कंबल को ओढ़ कर बैठ जाती है, आराम करती है, लेकिन वो जानती है, बट लेकिन वो जानती है कि उसे उठना होगा, वो खुद बड़बड़ाती है, मटर से यानी बड़बड़ाना। नेहा दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, बेड यानी बिस्तर, पुल्स यानी खींचना, 6 यानी 6 बजे, रिंग्स यानी अलार्म की जो रिंग होती है वो, अलार्म ऑलवेज यानी हमेशा, दिस अलार्म क्लॉक यह अलार्म घड़ी हमेशा 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर से बाहर खींचती है। इट्स सो अनफेयर यानी ये अनुसूचित है, अनफेयर है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, कि मुझे सोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, देर तक सोना बहुत ही पसंद है, बहुत अनुचित है। ओ कि मैं सुबह थोड़ी देर और सोना पसंद करूँगी। आई विश यानी काश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, कि काश यह घड़ी कभी कभी अपना काम भूल जाती। समटाइम्स फॉल्स नेहा स्माइल्स, कि समटाइम्स फॉल्स नेहा स्माइल यानी कुछ टाइम नेहा की स्माइल गिर जाती है, वो स्माइल नहीं कर पाती है, बहुत बुरा महसूस करती है जब उसे उठना पड़ता है। नेहा ओ माय क्लॉक हैज फैलन, मेरी जो घड़ी है वो गिर गई है। हाउ हैप्पी यानी वो खुश है, कि हाउ हैप्पी आई एम टुमारो कैन गेट अप लेट, कि मैं कल सुबह बहुत देर तक सोऊंगी क्योंकि अलार्म घड़ी तो गिर गई है, मेरी घड़ी गिर गई है, मैं कल कितना खुश हूँ कि मैं देर से उठ सकती हूँ। कि नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म सो नेहा स्लीप एंड स्लीप द स्मॉल चिपी बर्ड्स, कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह कोई अलार्म नहीं है तो नेहा सो जाती है। स्लीप्स नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चिपी बर्ड्स, स्मॉल यानी छोटे छोटे चिड़चिड़े पक्षी जो हर सुबह क्या करते हैं, विश कम टू द विंडो, विंडो यानी खिड़की, विंडो पे आते हैं, विंडो सिल्स एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, कि जो छोटे छोटे चिड़चिड़े पक्षी जो हर सुबह खिड़की पर आते हैं और नेहा को सोते हुए पाते हैं। तो बर्ड्स क्या कह रहे हैं, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, कि जागो प्रिय जल्दी जागो। नेहा गेट्स अप विश से स्टार्ट, कि नेहा वो उठ जाती है, उठती है। नेहा ओ नो इफ़ इट्स नोट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स वाई डोंट दे लीव मी अलोन, कि अरे नहीं अगर अलार्म घड़ी नहीं है तो ये पक्षी हैं मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, मतलब अलार्म घड़ी तो बज नहीं रही है तो ये पक्षी मुझे जगा रहे, तो ये पक्षी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। इवन दिस विश ऑफ नेहा इज कम ट्रूथ,
कि नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर। कि नेहा जब कह रही थी कि अलार्म घड़ी तो बज नहीं रही है, तो ये पक्षी मुझे नहीं सोने दे रहे, तो उसके नेक्स्ट दिन उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। ना अगली सुबह अलार्म बजता है, ना ही पक्षी उसे जगाने आते हैं। बट लेकिन देयर इज़ समवन, जहाँ समवन एल्सी हु डज नॉट वेंट हर टू मिस द स्कूल बस। कि वहाँ पे कोई है जो चाहता है कि नेहा की स्कूल बस उसको छूट नहीं नहीं चाहिए। तो वो कौन है? कैन यू गैस हु इट इज़? क्या आप गैस कर सकते हो, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? तो द बिग ब्राइट सन, बिग यानी बड़ा, ब्राइट यानी चमकीला, सन यानी सूरज, वो कौन है? बहुत बड़ा सूरज। ही फिल्स नेहास रूम विथ ए वार्म स्माइल। कि बड़ा चमकीला सूरज व नेहा के कमरे को एक गर्म मुस्कान से भर देता है। अब नेहा कह रही है कि ओ माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। अब वे कह रही है कि अरे नहीं, उसकी आंखें सूरज से जल रही थी, कह रही नहीं आंखें, अब तो सूरज मुझे जगा रहा है, वो मुझे क्यों नहीं सोने दे रहा है। इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रूथ, कि नेहा की इच्छा भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, कि अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे होता है, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। सो नेहा क्या करती है? स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। कि नेहा तब तक सोती रहती है जब तक उसकी माँ उसको आवाज़ नहीं देती, या उसके माँ की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुँचती, तब तक वो सोई रहती है। मदर उसका, मदर उसको जगाने के लिए आती है कि वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। कि मदर कह रही है कि नींद से जागो, आपकी बस छूट जाएगी। तो नेहा कह रही ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक अप मी अप। कि अरे नहीं, माँ को मुझे क्यों जगाना है, कि ये मेरी मम्मी क्यों मुझे जगाने के लिए आई है, मुझे सोने क्यों नहीं देती है। देयर इज नो स्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कि नेहा कहती कि अब तो कोई चारा नहीं, अब कोई प्लान नहीं है, नेहा उठकर तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन द नेक्स्ट डे? कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा? कि आपको इमेजिन करना है कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेक्स्ट डे नेहा वेक्स अप विथ ए स्टार्ट, यानी नेहा एक शुरुआत के साथ जागती है। हर वॉच से इट इज 6 o'clock, और घड़ी में 6 बजे हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, कि वह अपनी माँ को पुकारती है। नेहा, माँ हु वॉक वेक मी अप टुडे, यानी वो अलार्म घड़ी में 6 बजे होते हैं और वो जाग चुकी होती है, तो अपनी माँ को पुकारती है, माँ को कहती है कि मुझे किसने जगाया, कि आज मुझे किसने जगाया। तो उसकी मदर स्माइल, यानी उसकी मम्मी मुस्कुराती है। मदर कहती है हु एल्स यू ऑफ कोर्स, यानी आप खुद जागे हो, कि आपको किसी ने जगाया नहीं है, आप खुद जागे हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, यानी मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे जाग सकती हूँ। उसकी मदर कह रही है कि नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योवर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? कि आप मुझे बताओ कि तुम अपने दोपहर का लंच, यानी दोपहर का भोजन, हर दिन एवरी डे दोपहर यानी आफ्टरनून 1 बजे क्यों कर खाते हो, मतलब आफ्टरनून में क्यों खाते हो आप।
आपको आफ्टरनून में भूख लगती है, तो नेहा आई फील हंग्री, कि मुझे भूख लगती है तो मैं खाती हूँ। तो मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि आप हर रात 9 बजे क्यों सोते हो। तो नेहा, बिकॉज़ आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो मदर, देयर इज़ ए क्लॉक इनसाइड योर विच टेल्स यू वैन टू ईट, वैन टू स्लीप एंड वैन टू वेकअप, कि आपके अंदर, देयर इज़ ए क्लॉक इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर, क्लॉक यानी घड़ी, यू विच टेल यू वैन टू ईट, कि वो आपको बताती है कि कब खाना है, कब स्लीप यानी कब सोना है, वैन टू वेकअप और कब उठना है। कि आपके अंदर एक घड़ी होती है जो आपको बताती है कि कब खाना है, कब सोना है और कब उठना है। नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वेंट टू मिस द बस, कि ओ मैं अब बेहतर दौड़ती हूँ, बेटर यानी बेहतर। आई डोंट वेंट टू मिस द बस, यानी मैं अपनी बस मिस नहीं करना चाहती। तो मदर कहती है कि रिलैक्स, टुडे इज संडे, कि आराम से, कि आज संडे है, कि रिलैक्स टुडे इज संडे, कि आराम करो, आज रविवार है, संडे है। नेहा, ओ अच्छा, यू न्यू वर्ड्स हैं, स्नेगल, मटर, विंडो, स्टील, सिल और रिलैक्स, ये न्यू वर्ड्स।